ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि उसके अंदर तीन पार्ट हैं। एक है आपका प्रमोटर साइट, दूसरा है आपका स्ट्रक्चर जीन और तीसरा है आपका टर्मिनेटर साइट। और इसके अलावा हमने जो एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का हमने लास्ट क्लास में डायग्राम बना लिया था और उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो भी हमने देखा था। और एक्चुअल स्ट्रक्चर में हमने कुछ चीजें देखी थी, तो उसमें हमको सबसे पहले दिखाई दिया क्या, सबसे पहले तो हमने को उसमें मिला प्रमोटर साइट, प्रमोटर साइट या सीक्वेंस। और प्रमोटर साइट के बारे में हमने ये बात समझी कि यहीं पर जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो आके बाइंड करता है। तो कुछ पॉइंट्स हमें इसके बारे में लिखने हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दें प्रमोटर साइट। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए प्रमोटर साइट और प्रमोटर साइट के बारे में लिखेंगे। देखिए प्रमोटर साइट इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रिप्रेजेंट करेंगे इसको पी से। और इसके बारे में लिखिए इट इज द sequence it is the sequence in DNA helix it is the sequence in DNA helix where RNA polymerase get bind where RNA polymerase get bind। DNA helix का वो sequence है जहां पर RNA polymerase bind करता है। Next point लिखिए it has an specific sequence called conserve or consensus sequence it has an specific sequence called conserve and consensus sequence। तो इसमें ना ये कंजर्व या कॉन्सेंसस सीक्वेंस देखा जाता है। ये क्या होता है, कंजर्व या कॉन्सेंसस सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है डीएनए का जिसको सिग्मा फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर जिसे रिकॉग्नाइज करेगा उस सीक्वेंस को बोलते हैं कंजर्व या कॉन्सेंसस सीक्वेंस। और इसमें दो चीजें देखी जाती हैं, इसमें एक आपका होता है कैट बॉक्स और दूसरा होता है टाटा बॉक्स। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए कंजर्व या कंसेंसस सीक्वेंस के बारे में, कंजर्व या कंसेंसस सीक्वेंस। तो लिखिए दीज आर द recognition sequence, these are the recognition sequence present in promoter site, these are the recognition sequence present in these are the recognition sequence present in promoter site present in promoter site and they are recognized by and they are recognized by sigma subunit they are recognized by sigma subunit of
आरएनए पॉलीमरेज, ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो सीक्वेंस देके जा रहे हैं कैट बॉक्स और डाटा बॉक्स, इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंजर्व सीक्वेंस हैज टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, दैट इज conserved sequence has two types of sequence, that is cat box and data box, that is cat box and data box. सबसे पहले टाटा बॉक्स के बारे में लिखेंगे। देखिए टाटा बॉक्स के बारे में, It is from 10 base pair to 30 base pair. It is from 10 base pair to 30 base pair. Data box के बारे में लिखिए, it is from 10 base pair to 30 base pair. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें डाटा बॉक्स में, इन प्रोकैरियोट्स इसको बोलते हैं प्रिब्नो बॉक्स, और इन यूकैरियोट्स में इसको बोलते हैं हॉगनेस बॉक्स। इसमें सीक्वेंस क्या रहता है? इसमें सीक्वेंस ये रहता है टी ए इस तरीके से, इसलिए इसको बोला गया टाटा बॉक्स। ठीक है, टी फॉर थायमिन, ए फॉर एडेनिन। अगर कैट बॉक्स की बात करेंगे, कैट बॉक्स के बारे में लिखिए आप। नेक्स्ट लिखिए कैट बॉक्स, और इसके बारे में लिखिए, इट इज फ्रॉम 40 से 70 बेस पेयर तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है, जो सीक्वेंस वो कहलाता है कैट बॉक्स। ठीक है, और कैट बॉक्स कहाँ देखा जाता है? प्रेजेंट अपस्ट्रीम ऑफ डाटा बॉक्स के अपस्ट्रीम होता है। डाटा बॉक्स इस तरफ है और कैट बॉक्स इस तरफ है, तो ये अपस्ट्रीम हो गया। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका प्रमोटर साइट या कंसेंट सीक्वेंस। प्रमोटर साइट समझ में आ गया। स्ट्रक्चरल जीन की अगर बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल जीन वो एरिया है जहां पर क्या होगा, जहां पर आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, मतलब जहां आपका जो एमआरएनए जिस सीक्वेंस से बनेगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो पहले तो प्रमोटर साइट हमने देख लिया। प्रमोटर साइट के बाद प्रमोटर साइट से थोड़ा सा आगे इसमें एक रीजन देखा जाता है, इसे बोलते हैं ऑपरेटर रीजन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ऑपरेटर रीजन के बारे में लिखिए, क्या उसे जिसे रिप्रेजेंट करती है वो, इसके बारे में लिखेंगे। इट इज द सीक्वेंस प्रेजेंट It is the sequence present
downstream of promoter site. It is the sequence present downstream of promoter site and responsible for initiation of transcription process by stimulation of RNA polymerase enzyme to move downstream direction. To move in downstream direction. Okay. इसके बाद हमने promoter site देख लिया, operator end देख लिया. Next हमारे पास आता है जो हमने समझा था इसमें. Next है इसके बाद structural gene. और इसके बारे में लिखिए, structural gene के बारे में लिखें. It is the functional or active site. It is the functional or active site of DNA from which RNA is produced. From which RNA is produced. और लास्ट आता है हमारे पास टर्मिनेशन साइट. लास्ट लिखिए टर्मिनेशन साइट. और टर्मिनेशन साइट के बारे में लिख लीजिए. It is the sequence of DNA. It is the sequence of DNA recognized by RNA polymerase or rho factor to stop the process of transcription. तो ये हमने complete transcriptional unit के बारे में पढ़ लिया, उसके हर एक part को हमने समझ लिया. अब हम देखते हैं process, mechanism of transcription. Eukaryotes में transcription किस तरह से होता है. तो हम यहाँ समझते हैं mechanism of transcription. चलिए हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. देखिए कई पिछले देखते आ रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से अगर देखें तो ये क्वेश्चन ना कई बार से आ नहीं रहा है मैकेनिज्म. कई सालों से ये बहुत कम आया है जो प्रॉपर 5 नंबर में पूरा मैकेनिज्म. हो सकता है इस बार आपसे पूछा जा सके, लेकिन इस बार जो प्लानिंग रहेगी, जो आपका टेस्ट वगैरह रहेगा, वो अगर यही कंडीशन चलती रही जैसे अभी चल रही है तो हो सकता है आपका एग्जाम जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से आपका एग्जाम ले लिया जाए. इसलिए आप लोग कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, उसको जितना हम पढ़ रहे हैं उतना अच्छे से हर एक टॉपिक को आप पढ़िएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बनते हैं वो सब्जेक्टिव से बिल्कुल अलग रहेंगे. आंसर आपकी आंखों के सामने होगा लेकिन कंसेप्ट घुमा के आपको दिया जाएगा. तो इसलिए आप लोग कॉम्पिटिटिव के हिसाब से पढ़ें. और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से जब आप ग्रेजुएशन के किसी कोर्स में अगर एडमिशन लेते हैं तो अब वो मेरिट बेस्ड सिस्टम जो है खत्म हो जाएगा
और एंट्रेंस के बिहाफ पे ही आपको किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स के अंदर भी एंट्री मिलेगी। तो आप एंट्रेंस जो है वो कंपलसरी है, चाहे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर जगह में एंट्री लेने के लिए, हर एक कोर्स में एंट्री लेने के लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को फेस करना ही होगा। चलिए देखिए, तो हम लोग बात करते हैं अब मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होता है ये बात हम समझ लेते हैं। अगर जो ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन में तीन स्टेप होंगे जो हम पहले भी समझ चुके हैं। पहला होगा इनिशिएशन, दूसरा होगा इलॉन्गेशन और तीसरा होगा टर्मिनेशन। तो सबसे पहला स्टेप हम समझेंगे जो कि है नंबर वन, फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, देखिए इनिशिएशन में क्या होता है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इतना लेट गुड मॉर्निंग क्यों किया भाई? सर ये लिंक ही नहीं भेजते हैं सर, सर स्कूल वाले। स्कूल वाले नहीं भेजते लिंक, और क्या, तो आपके पास पहुंचा होता है, देखो सबने ज्वाइन कर लिया, आप आए हो अभी। 12th अब रेडियंट का सर कौन है? और 12th ग्रेड कोई बच्चा है नहीं है, अकेले आप हो। यस सर। ओहो, तो आप मुझे मैसेज करते ना सीधा। सर वो आपका वो व्हाट्सएप नंबर है खाली, वो उस पे आते नहीं है, मतलब मैसेज कर देते हैं, वैसे फोन नहीं उठता उसमें। हाँ हाँ उसमें ना वो खाली व्हाट्सएप पे रखा है मैंने, कोई वो उसके लिए बात नहीं। बाकी मैंने लिंक तो डाला था आपके कैंपस प्रो ऐप पे, नहीं नहीं आया है सर वहाँ पे। आया था। चलो कोई यस बात सर, नहीं, इसका वीडियो भी अवेलेबल होगा, जितना पोर्शन निकला है ना वीडियो से यस कवर अप सर। कर लीजिएगा। अभी हमने ये नया टॉपिक ही शुरू करा है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखिए मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पहला स्टेप है आपका इनिशिएशन। तो हम एक बार जरा ये ये हो गया 3 प्राइम और ये हो गया आपका 5 प्राइम। हो गया 5 प्राइम और 3 प्राइम, दो डिफरेंट कलर से मैंने यहाँ पर स्टैंड बनाए हैं, आप लोग भी डिफरेंट कलर यूज करिएगा। अब देखिए सबसे पहले इनिशिएशन में क्या होगा ये समझते हैं। इनिशिएशन के अंदर आपको ये बात पता है कि जो यहाँ तक का हमारा सीक्वेंस है ये सीक्वेंस हो गया हमारा प्रमोटर साइट। मैं कुछ मेंटल, लोगों को मेंटल ही समझती हूँ, जैसे एग्जांपल मुस्कान है। अनीता बेटा क्लास से बाहर हो जाओ और ज्वाइन मत करना मेरी क्लास। अनीता बेटा अनम्यूट करो अपने आप को और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये आप क्लास अटेंड कर रहे हो या यहाँ मजाक करने आए हो?
गए बाहर गई लड़की, चलो सही है। तो ये हो गया हमारा प्रमोटर साइट। अब इस प्रमोटर साइट पर अगर हम बात करेंगे तो प्रमोटर साइट पर यहाँ पर बाइंड करेगा सबसे पहले ये एंजाइम जो कि है आपका आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा अब देखो ये चीजें आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज का कंपोनेंट क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें देखी जा रही हैं। और जैसे हमने प्रमोटर साइट की अगर हम बात करें तो प्रमोटर साइट पर हमें ये पता है कि दो सिक्वेंस है, एक है कैट बॉक्स, दूसरा है टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स और टाटा बॉक्स। तो इन सिक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इन सिक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा सिग्मा फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करा, सिग्मा फैक्टर ने इन सिक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया और यहां तक जो सिक्वेंस है ये है आपका, इसे मैं सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं, दिस इज टी साइट, टी फॉर प्रमोटर साइट। और जो ये ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये पोर्शन, ये है ऑपरेटर साइट, ठीक है। तो सबसे पहले प्रमोटर साइट पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करा, जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो बाइंडिंग में हेल्प करेगा सिग्मा फैक्टर जो कि रिकॉग्नाइज करेगा प्रमोटर साइट के कैट बॉक्स और टाटा बॉक्स को। इसने रिकॉग्नाइज किया, ये आके बाइंड कर गया। अच्छा एक बात और देखिए, आप ध्यान से ना यहां समझिए, डायग्राम को देखिए ध्यान से, ये हमारा जो स्ट्रैंड है इसकी ओरिएंटेशन क्या है, 3 to 5। तो देखो 3 to 5 चला, अगर मैं इतने हिस्से की बात करूं ये क्या स्ट्रैंड होगा 3, ये क्या होगा 5, और ये वाला स्ट्रैंड कैसा है, ये है 5, 5 to 3 चल रहा है ये वाला रेड वाला। अगर जो मैं रेड वाले को देखूंगा यहां से, ये 5 होगा, ये वाला सीक्वेंस जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ है ये क्या है 5' है तो 3'। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए जो मैं बात बोलता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, आरएनए पॉलीमरेज 5' एंड पर जाके अटैच होगा, मतलब ये है कि आरएनए पॉलीमरेज उस डीएनए स्ट्रैंड के साथ अटैच होगा जिसकी ओरिएंटेशन 5 to 3 है। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई सबको, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्लियर है। चलिए तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, जो आरएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए के 5' स्ट्रैंड पर जाके या 5' स्ट्रैंड पर जाकर बाइंड हो गया, और बाइंड कहां पर हुआ है, बाइंड हुआ है प्रमोटर साइट पे। प्रमोटर साइट पर जो कैट बॉक्स और टाटा बॉक्स हैं उसको सिग्मा फैक्टर ने रिकॉग्नाइज किया और यहां पर जाके ये अटैच हो गया। अटैच होने के बाद ये क्या करेगा, जो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड देखे जा रहे हैं उनको ये ब्रेक कर देगा। जैसे हम यहां पर बना देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड देखे जा रहे हैं इनके बीच में, तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे इस वाले पोर्शन में जहां पर ये बाइंड हुआ है ये उस डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये स्वेल अप कर देगा एरिया, ये जो उसके बीच का हिस्सा है, और एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल बबल। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शनल या ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया, और ये किसके एक्शन से बनता है, ये बनता है आपके आरएनए पॉलीमरेज के एक्शन से। आरएनए पॉलीमरेज ने क्या करा, डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड कर दिया, इतना पोर्शन ओपन कर दिया इसका, डीएनए हेलिक्स का इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये क्या करा, ये आरएनए पॉलीमरेज ने ओपन कर दिया। और कैसे ओपन किया, बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड और अनवाइंडिंग द डीएनए हेलिक्स, अनवाइंड कर दिया। और कहां पर बाइंड हुआ है, ये प्रमोटर साइट पे। प्रमोटर साइट पे किस स्ट्रैंड पे जाके जुड़ा, तो जिसकी ओरिएंटेशन 5 to 3 है। क्लियर हो गई बात, एडिंग दीजिए आप इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये डायग्राम ड्रॉ करें और इसके बारे में जो मैंने बातें आपको बताई है वो आप लोग लिखते हैं। यदि किसी को कोई डाउट है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। पहला स्टेप हो गया है आपका इनिशिएशन।
चलिए लिखिए, इनिशिएशन में लिखेंगे, इन दिस स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल द सिग्मा सब यूनिट, द सिग्मा सब यूनिट इन दिस स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल द सिग्मा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिकॉग्नाइज द कंजर्व सीक्वेंस, रिकॉग्नाइज द कंजर्व सीक्वेंस, रिकॉग्नाइज द कंजर्व सीक्वेंस ऑफ प्रमोटर साइट, रिकॉग्नाइज द कंजर्व सीक्वेंस ऑफ प्रमोटर साइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स एट binds at DNA strand which has polarity 5 prime to 3 prime. The RNA polymerase enzyme binds at DNA strand which has polarity 5 prime to 3 prime. Has polarity 5 prime to 3 prime. Next point again. The RNA polymerase unwind the DNA helix by breaking the hydrogen bond to form transcription bubble. ठीक है, तो ये हो गया इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो पहला स्टेप हो गया इनिशिएशन। अब देखिए इनिशिएशन के बाद क्या होगा। अब इनिशिएशन के बाद सेकंड स्टेप हमारे पास आएगा इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन या इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। इलॉन्गेशन या ट्रांसलोकेशन की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या होगा, जो ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है, अब ये आरएनए पॉलीमरेज मूव कर जाएगा प्रमोटर साइड से होता हुआ आगे की तरफ, और जैसे जैसे ये प्रमोटर साइड से आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में जैसे जैसे ये मूव करेगा आरएनए पॉलीमरेज, तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ आरएनए का ये स्ट्रैंड बनता जाएगा। This is RNA. ये RNA strand इसके साथ बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पर क्या होगा, इलोंगेशन में क्या हुआ, इलोंगेशन में जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो ऑपरेटर साइट है, ये आरएनए पॉलीमरेज को स्टिमुलेट करेगा कि वो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में मूव करे, यानी कि आगे की तरफ मूव करे, और जब वो आगे की तरफ मूव करेगा तो इसमें एक आरएनए की फॉर्मेशन होगी। और जो ये आरएनए बन रहा है, ये जो स्ट्रैंड बन रहा है, ये किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ये इस वाले का 3-5 स्ट्रैंड की तरफ, जो डीएनए का स्ट्रैंड रन कर रहा है जिसकी पोलरिटी 3-5 है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा आरएनए, यानी कि जो इस पे सीक्वेंस होगा उसका अपोजिट सीक्वेंस इस पे देखा जाएगा। इसलिए ये वाला स्ट्रैंड, जो ब्लू वाला स्ट्रैंड है, ये कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। और जो ये रेड वाला स्ट्रैंड है, ये कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड। इसका जो सीक्वेंस होगा वो आरएनए का बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर थायमिन रहेगा और यहाँ पर यूरेसिल आ जाएगा। और इसका जो सीक्वेंस होगा ब्लू वाले का, आरएनए में उसका अपोजिट रहेगा, क्योंकि ये इसका टेम्पलेट है, इसका अपोजिट स्ट्रैंड। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, इलोंगेशन या फिर ट्रांसलोकेशन। इलोंगेशन और ट्रांसलोकेशन के बारे में आप लिखेंगे। इलोंगेशन और ट्रांसलोकेशन में सबसे पहले तो आप यही डायग्राम बना लीजिए, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम ड्रॉ करें और उसके बाद हम इसमें पॉइंट लिखेंगे, वरना ये सब बना लीजिए। चलिए आप लोग बनाइए और जैसे ही बन जाए तो बताइए आप। हाँ, एक बच्ची मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, अनीता। अनीता बेटा क्या हो गया था? सर पता नहीं, लिंक आए ही नहीं फोन में, कैंपस प्रो पे। नहीं, आप तो क्लास ले रहे थे। नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ, आप तो मुझे पहले भी दिखाई दे रहे थे, क्लास ले रहे थे। आपने तो बीच में बोला, कौन था बीच में वो? सर वो मेरी बहन अर्जिता थी। अर्जिता कौन सी क्लास में है? 10th वाइब्रेंट कोचिंग में। कोचिंग में है, चलो उससे मैं बात करता हूँ, आज क्लास है। ओके सर। डन भाई, बना ले डायग्राम, सबने लिखे इसके बारे में। जी मनोज बोलिए। हो गया सर। ओके चलिए लिखिए, इलोंगेशन में लिखें। इन दिस स्टेप द ऑपरेटर रीजन, इन दिस स्टेप द ऑपरेटर रीजन stimulate the RNA polymerase to move in downstream direction, to move in downstream direction, to move in downstream direction। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द कोर एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, द कोर एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलीमरेज यूज द न्यूक्लियोटाइड्स for RNA and combine them to form RNA molecule, combine them to form RNA molecule which has the polarity 5 orientation to 3 orientation। आरएनए की पोलैरिटी क्या है? 5-3 रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट लिखेंगे
डीएमआरएनए या आरएनए लिख लीजिए इज कॉम्प्लीमेंट्री, द आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड विच हैज द पोलैरिटी, विच हैज द पोलैरिटी थ्री ओरिएंटेशन टू फाइव ओरिएंटेशन, थ्री ओरिएंटेशन टू फाइव ओरिएंटेशन एंड दिस डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड, एंड दिस डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड. While the DNA strand, while the DNA strand which has polarity, five orientation to three orientation, is called coding strand, is called coding strand which has same sequence, as of RNA, which has same sequence as of RNA. इसमें नोट करके एक पॉइंट आप और लिखें. देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये एमआरएनए है, ये इसका कुछ पार्ट आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा हुआ है. तो लिख लीजिए अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए इज अटैच्ड टू द a small stretch of RNA is attached to the RNA polymerase. तो ये हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गए, इनिशिएशन और इलोंगेशन. अब थर्ड स्टेप हमारे पास आता है, लास्ट वन, और वो है टर्मिनेशन. तो टर्मिनेशन में क्या होगा, देखिए टर्मिनेशन में जो आरएनए पॉलीमरेज है ये मूव करता हुआ यहां तक आ गया, आरएनए फॉर्मेशन होती जा रही है. तो ये वाला सीक्वेंस है, ये हो गया आपका टर्मिनेटर साइट या टर्मिनेटर सीक्वेंस, टर्मिनेटर सीक्वेंस हो गया ये. ये आपका आरएनए पॉलीमरेज और इसके साथ ये बनता जा रहा है आपका एमआरएनए. तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर साइट पे पहुंचेगा क्या होगा, ये हो गया आपका आरएनए. जब ये टर्मिनेटर साइट पे पहुंचेगा तो टर्मिनेटर साइट में जो इसके अंदर रो फैक्टर है ये टर्मिनेटर साइट को आइडेंटिफाई कर लेगा और यहां पर आके इस प्रोसेस को रोक देगा. जैसे ही प्रोसेस रुकेगा आरएनए पॉलीमरेज
इस डीएनए से अलग हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज अलग होगा, और उससे जो आरएनए है, जो न्यू आरएनए बना है जिसे हम नेसेंट आरएनए बोल रहे हैं, वो भी यहाँ से अलग हो जाएगी। तो ये हो गया टर्मिनेशन, बस सिंपल है। टर्मिनेशन में ये डायग्राम बना लीजिए, ड्रॉ करिए इस डायग्राम को, और फिर टर्मिनेशन के बारे में। लिख लिया आप सभी ने, ये बना लिया होगा डायग्राम। चलिए लिखिए आप उसके बारे में। इन दिस स्टेप द आरएनए पॉलीमरेज व्हेन रीचेस टू टर्मिनेशन साइट then this site get recognized by row subunit or factor of RNA polymerase, row subunit or factor of RNA polymerase. Next point here. Due to this, the RNA polymerase due to this the RNA polymerase remove from the DNA helix and the new RNA, new RNA के ब्रैकेट में लिख लो नेसेंट RNA, released out. तो ये हो गया आपका प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का कंप्लीट। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने तीन स्टेप देखे, पहला देखा इनिशिएशन, दूसरा देखा इलॉन्गेशन, तीसरा देखा हमने टर्मिनेशन। ठीक है, अब हम नोट करके कुछ पॉइंट यहाँ पर और समझ लेते हैं। जैसे हमने बात करी थी, यदि हम डीएनए के इस स्ट्रैंड की बात करते हैं जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 है, 3 to 5 डीएनए स्ट्रैंड, इसको हमने क्या नाम दिया है, कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड, और इसको हम बोल सकते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और यदि हम इस वाले स्ट्रैंड की बात करें जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 है 5 to 3 डीएनए स्ट्रैंड, अगर जो 5 to 3 डीएनए स्ट्रैंड की आप बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड नॉन टेम्पलेट,
उसको नॉन टेम्पलेट या फिर कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड या फिर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है और टेम्पलेट एंटी सेंस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है। ठीक है जी, और एमआरएनए की अपनी डायरेक्शन क्या है हमेशा याद रखना, एमआरएनए की डायरेक्शन होती है 5 to 3। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, ये लिख लीजिए आप और फिर हम एक क्वेश्चन समझते हैं। देखिए इस पर क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे हमें जो डीएनए स्ट्रैंड दे रखा है एक की ओरिएंटेशन है 5 to 3, ये डीएनए स्ट्रैंड है और इसका सीक्वेंस दे दिया हमको टी ए सी जी टी ए जी सी ये दे रखा है। ठीक है, इसके सामने एक और डीएनए स्ट्रैंड रहेगा, ये होगा 3 to 5, इसका सीक्वेंस क्या होगा, इसका अपोजिट होगा टी के सामने ए टी जी सी ए टी सी जी ए टी। तो आप बताइए एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, एमआरएनए इस वाले से बनेगा, क्या होगा सीक्वेंस एमआरएनए का, ए के सामने क्या आ जाएगा यू ए जी हाँ सॉरी सी जी और यू ए जी सी यू ए। ठीक है, ये हो गया आपका एमआरएनए का सीक्वेंस। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन देगा डीएनए स्ट्रैंड दे देगा, एमआरएनए निकालने के लिए दे देगा, ये तो बहुत सिंपल है। अब एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए, ये क्वेश्चन लिखिए आप, द सीक्वेंस ऑफ एंटी सेंस स्ट्रैंड, द सीक्वेंस ऑफ एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज गिवन बिलो, द सीक्वेंस ऑफ एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज गिवन, और वो सीक्वेंस क्या दिया है, वो दिया है ए ए टी टी ए टी जी सी जी जी सी सी। ये सीक्वेंस किसका है, एंटी सेंस का दिया हुआ है। आगे लिखिए, देन फाइंड आउट द फॉलोइंग, और क्या क्या निकालना है हमें, नंबर ए सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, नंबर बी आप बताइए सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, नंबर सी सीक्वेंस ऑफ आरएनए या एमआरएनए जो भी हो कहता है, तो आरएनए की सीक्वेंस बताइए। आपको ये क्या दिया है, ये आपको दिया है एंटी सेंस स्ट्रैंड का सीक्वेंस, तो आप बता सकते हैं, बताइए क्या होगा, ये बताइए ये बताइए और ये बताइए। एंटी सेंस स्ट्रैंड की अगर बात करेंगे ना, तो एंटी सेंस स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन क्या होगी, 5 to 3 रहेगी इसकी ओरिएंटेशन। ठीक है, ये हमने पहले लिखा था एंटी सेंस 5 to 3 है, तो आरएनए का इसका क्या होगा, कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, सेम हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड का, तो क्योंकि एंटी सेंस का अपोजिट क्या होता है, टेम्पलेट होता है, तो इस वाले का अपोजिट कर देंगे आप यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड का, और उसके बाद क्या करोगे, इसका निकाल दोगे टेम्पलेट का,
और आरएनए का निकाल दोगे। 5 to 3 दे रखा है तो आरएनए का भी यही हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए आप लोग, सॉल्व करके आंसर मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, आज की क्लास को यही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम है, हमारी क्लास खत्म हो जाएगी बीच में। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं हो पाता है सॉल्व आपसे तो मैं कल की क्लास में इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। फिलहाल इस वाले को देख के, ऊपर वाले को जैसे ये करा है ना, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सीक्वेंस तो अपोजिट रखना आते ही आपको। इससे पहले मैंने आपको जो नोट लिखवाए थे कि एंटी सेंस स्टैंड क्या होता है, कोडिंग स्टैंड क्या होता है, वो सारी बातें अगर आपको याद रहेंगी तो आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं आरएनए के।